सभी का शिफ्ट 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और शिफ्ट 24 में अब रुक करेंगे खबर राजस्थान रिका। रोहत में पानी की समस्या के लिए सौंपा ज्ञापन, कोटा में 14 साल की मूक बधिर मंद बुद्धि बालिका से दुष्कर्म, देई नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने अस्पताल में लगवाया AC, हिटावा में बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, स्वायत्त शासन मंत्री ने शिफ्ट 24 न्यूज चैनल को दी बधाई। नागौर पुलिस ने हरियाणा के सुपर किलर को पकड़ा, एक शाम संत सुरजन दास जी के नाम कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, जोधपुर बालेसर में लंबे समय से फरार दो मुलजिम गिरफ्तार, फलौदी में अवैध रॉयल्टी वसूलने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, शेरगढ़ से वांछित इनामी अपराधी सरपंच पति गिरफ्तार। रोहट के निकटवर्ती रामपुरा की ढाणी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई को अवगत कराया गया। रोहट से हमारे संवाददाता महेंद्र राम की रिपोर्ट के अनुसार रोहट प्रधान के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पानी की समस्या के समाधान के लिए अनुरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि जलदायक विभाग को इनके समाधान के लिए ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया लेकिन विभाग कदम नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई ने आश्वासन दिया कि पानी की समस्या को जल्द दूर कर दिया जाएगा। इस दौरान वार्ड पंच धन्नाराम लोहार, बंगाराम पटेल, नारायण राम पटेल, मालाराम पटेल, मोड़ाराम बावरी, ढलाराम पटेल, भलाराम, खीमाराम, गोपाराम पटेल, सक्ताराम, लक्ष्मी देवी, निम्बुड़ी देवी, सीता, गवरी, जमुना देवी इत्यादि ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कोटा जिले के ग्रामीण इलाके में 14 साल की मुख बधिर मंद बुद्धि बालिका से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले के पॉक्सो कोर्ट ने क्रम 3 ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटा से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता आसिफ खान ने बताया कि सजा के साथ दोनों पर कुल 50,000 का अर्थदंड लगाया है। आरोपी बाबूलाल 57 साल और ब्रजमोहन 62 साल ने अपने गाँव की 14 साल की बालिका को बहला फुसला कर उसके साथ ले गए, फिर शराब के नशे में बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। वशिष्ठ लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2019 को बूढ़ादीत थाने के शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 19 गवाहों के बयान हुए। मामले में आज पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी बाबूलाल व ब्रजमोहन को आजीवन कारावास और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। बूंदी के देई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्मी के हालात देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को गर्मी में वातानुकूलित सुविधा के लिए देई नगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय गोयल ने जनरल वार्ड में जन सहयोग से 2 AC दिए। बूंदी देई से हमारे शिफ्ट 24 रिपोर्टर आयुष गौतम के अनुसार उपचार के दौरान मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए ये AC लगवाए गए हैं। वहीं देई नगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि 2 AC देई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कस्बे की समाज सेवी और भामाशाहों के सहयोग से आज डॉक्टर संजना को जनरल वार्ड के लिए भेंट किए गए। कोटा के इटावा उपखंड मुख्यालय पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर लगातार बढ़ती महंगाई और किसान विरोधी तीनों काले कानूनों के विरोध में सीटू कार्यालय गेता रोड इटावा में किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इटावा कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गौतम ने बताया है कि किसान तथा तहसील महेंद्र कुमार सुमन के नेतृत्व में किसानों ने इटावा नगर में मोटरसाइकिल रैली निकाली और उपखंड कार्यालय पर जाकर सभी की ओर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, तेल, बिजली सहित तमाम आवश्यक वस्तुओं के दामों पर हो रही बेतहाशा वृद्धि और तीनों कृषि काले कानूनों, नए श्रम कानूनों के विरोध में और कोरोना काल में बेरोजगार हुए श्रमिकों व जरूरतमंद परिवारों को 7,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने, बेरोजगारों को काम देने, गरीबों को राशन उपलब्ध करवाने सहित 7 सूत्री मांगों के तुरंत प्रभाव से पूरा करने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शुभ 24 न्यूज चैनल को बधाई दी है। कोटा से हमारे ब्यूरो हेड उमेश गोस्वामी के अनुसार धारीवाल ने कहा है कि बहुत ही कम समय में शुभ 24 न्यूज ने हिंदुस्तान के हर कोने में अपनी धाक जमा ली है। शुभ 24 चैनल निष्पक्ष होकर दुनिया को सही खबर दिखा रहा है। मेरी ओर से शुभ 24 चैनल टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ 24 आप चालू कर रहे हैं जुलाई में,
अच्छा है, कवरेज अच्छा हो, खासतौर पर लोगों की समस्याएं उठाई जाए तो उनका निराकरण के लिए कोई क्या तरीका हो सकता है वो पूछा जाए लोगों से। यहाँ पे जो डेवलपमेंट काम चल रहे हैं शहरों में, छोटा में नहीं जगह जहाँ पर भी संभव हो सके डेवलपमेंट के कामों को, लोगों की जरूरतों को, इन सब चीज़ों को देना चाहिए। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि साल 2019 में युवक ट्रक से कुचलकर हत्या के मामले में कोतवाली थाना पुलिस की फाइलों में दफन हरियाणा के एक सुपर किलर को गुरुवार को पुलिस की स्पेशल टीम ने कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अज्ञात आरोपी हरियाणा में हिसार निवासी संदीप पुत्र कृष्ण कुमार है, उसे पुलिस की फाइलों में केवल संदीप नाम ही चल रहा है। इस वारदात में पुलिस ने 7 जनों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार झगड़े में महिला के पति की हत्या हो गई थी, उसके बाद महिला ने प्रकरण में पेंडिंग चल रहे आरोपों से संपर्क कर गिरफ्तार आरोपियों से सहारे नरेंद्र को ट्रक से कुचलवा दिया। घटियाली भियासर से हमारे शुभ 24 संवाददाता अशोक कुमार पूनिया ने बताया कि संत श्री सुरजन दास जी समाधि स्थल के प्रांगण में सोमवार शाम को एक संत श्री सुरजन दास जी के नाम विशाल भजन संध्या के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष मांगीलाल पूनिया ने बताया कि जागरण 12 जुलाई की रात्रि में भव्य जागरण महंत प्रेमदास जांबा व संत बलदेव नंद शास्त्री एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुति देंगे। सुबह 13 जुलाई को यज्ञ व पहल का आयोजन होगा। पोस्टर विमोचन के दौरान संत बलदेवानंद शास्त्री, अर्जुन राम, फूलाराम, मूलाराम, जोगाराम, सूबेदार जेताराम, अध्यापक सुरजाराम, पुजारी हनुमान राम, लक्ष्मण किसानाराम, पप्पूराम, मईपाल, श्रवण, कैलाश, जगदीश, फौजी नौकड़ा आदि लोग मौजूद थे। जोधपुर जिला पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया है कि दिनांक 2 अप्रैल 2021 को गुड़ियाला व वस्तावा माताजी गांवों के शराब ठेका पर तोड़फोड़ कर शराब लूटने व हत्या का प्रयास करने के प्रकरणों में लंबे समय से फरार मुलजिम छोटू सिंह पुत्र डूंगर सिंह जाति राजपूत निवासी चौमू व जितेंद्र सिंह पुत्र खेम सिंह जाति राजपूत निवासी कुडियाला को बालेसर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बालेसर थाना अधिकारी दीप सिंह भाटीमय टीम ने कार्रवाई करते हुए टॉप 10 में चयनित दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। फलौदी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़सी को काबास देणों की इंदो काबास केरला उदयनगर जाटीसरा सहित आसपास क्षेत्रों में रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा पिछले लंबे समय से ठेका लगाकर अवैध रॉयल्टी वसूलने का सिलसिला जारी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या जैस की तस रही। तदवारवा शिकायत करने पर खनन विभाग बालेसर से एक दल बरसी गोकाबास आया तथा वह भी ठेकेदार तथा अवैध रूप से संचालित सिद्धि विनायक क्रेशर के संचालक की मिली भगत से भी इसी क्रेशर पर बने ऑफिस में पार्टी इंजॉय करके सो जाते हैं तथा पीछे ठेकेदार का कार्मिकों द्वारा अवैध रॉयल्टी वसूलने का कार्य जारी रहता है। ऐसा कदापि नहीं करने को लेकर आज फिर से ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को पुनः ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर चंद्र सिंह, रेवंत राम, कन्हैयालाल, सुखाराम, सेंबुराम, पप्पूराम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। जिला पुलिस अध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना शेरगढ़ व अन्य थानों में वांछित जिला स्तर के टॉप 10 में शामिल 2000 के इनामी अपराधी किशन सिंह पुत्र सुमेर सिंह राजपूत उम्र 38 साल निवासी भाकरवाल रावनियाना गांव पुलिस थाना बोरुदा हॉल प्लॉट नंबर 521 न्यू बीजेएस कॉलोनी जोधपुर पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर को उसके घर गांव रावनियाना से दस्तियाब कर गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही शेरगढ़ थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह मई टीम द्वारा की गई। जोधपुर जिला पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि शराब की दुकान को लेकर थाना हल्का पीपाड़ शहर में ग्राम रिया के दिनांक 30 जून 2021 को हुई फायरिंग की घटना में शरीक जे की उर्फ जयप्रसाद पुत्र श्री किशन जाति हरिजन उम्र 29 साल निवासी हरिजन मोहल्ला सब्जी मंडी पीपाड़ शहर द्वारा दस्तियाब कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कार्रवाई पीपाड़ शहर थाना अधिकारी बाबूलाल राणामय टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। पोखरण रामदेव रोड पर अज्ञात व्यक्ति का लावारिस शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पोखरण से हमारे शुभ 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया के अनुसार पोखरण से 5 किलोमीटर दूर बीएसएफ के सामने झाड़ियों में नग्न अवस्था में एक व्यक्ति लावारिस हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ राहगीरों ने शव को देखते तो पोखरण पुलिस को फोन कर सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शव का चेहरा जला हुआ होने से व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पोखरण पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर जांच शुरू कर दी है। तो खबरें राजस्थान जी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सभी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ, क्योंकि शुभ 24 पर जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।